हे गाइस, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉमर्सी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आईबीओ 5 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट नोट्स इनको कहते हैं। शॉर्ट नोट्स में तीन चार टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन उसमें तीन चार टॉपिक्स होंगे जिनको डिस्कस करना होगा। तो उसी में से एक टॉपिक आज हम करने वाले हैं, काफी चारों टॉपिक को करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर। उसको पूरा देखना, आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ मैं कुछ चीजें बताता चलूँ। नोट्स हमारे पास अवेलेबल है आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। तो आप एग्जाम अगर देने वाले हैं आने वाले समय में, एक दो महीने में, तो आप डेफिनेटली हमारे यहाँ से नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जो कि यू नो हाईली रिसर्च करके इसको जो है तैयार किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, असाइनमेंट्स एंड मेनी अदर सोर्सेज। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इनको कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में 60% आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, प्लस आप हमारे यूट्यूब लेक्चर्स को वॉच करेंगे, तो डेफिनेटली आपके 70-80% अराउंड आराम से आ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, हमारे स्टूडेंट्स ने यू नो कमेंट करके हमसे बताया है। एंड यस, यूट्यूब लेक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एमकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सारे के सारे। यू नो बीकॉम के स्टूडेंट्स को भी अगर सुन रहे हैं तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर ढेर सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिनको पढ़ करके समझ करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और यस, ये हमारा प्रमोशनल टॉपिक था। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है सरचार्ज के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा सरचार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? इन जनरल अगर मैं सरचार्ज बोलूँ तो एक तरह का ये टैक्स होता है या एक्स्ट्रा एक चार्जेस होता है जो कि लगाया जाता है ऑन द सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो भी है प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के अमाउंट के ऊपर जो है आपको सरचार्ज पे करना होता है। तो ये बेस चार्ज से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि हम एक एक करके भी बात करेंगे। सबसे पहले सरचार्ज के बारे में जान लते हैं। तो सरचार्ज एट लीवीड ऑन द कार्गो एट आउटपुट पोर्ट्स इन द एडिशन टू द बेस सरचार्ज, ठीक है। तो जो आउटपुट पोर्ट्स होंगे, जहां पे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कार्गो है, वहां से जब सामान को निकाल करके दूसरी जगह लेकर के जाया जाएगा, आउटपुट की बात कर रहा हूँ, इनपुट की बात नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे सरचार्ज जो है वो एड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द बेस चार्ज। जो बेस चार्ज होगा उसके अलावा जो है सरचार्ज भी ऐड किया जाता है। सो दीज आर चार्ज एज अ परसेंटेज ऑन टैरिफ रेट्स ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज सरचार्ज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। तो ये जो चार्जेस होते हैं ये डिपेंड करता है कि किसका रेट कितना रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट जिस तरीके का रहेगा, चार्जेस भी आपको उसी के हिसाब से मिलेगा। हो सकता है कि किसी का परसेंटेज 7 हो, किसी का 8 हो, हालांकि मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, सरचार्ज इतना ज्यादा नहीं होता है, बट ये प्रोडक्ट वाइज वेरी करता है, ये बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और सरचार्ज के कुछ फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, जिन टाइप्स को हम एक करके अभी करेंगे। सबसे पहला टाइप हैवी लिफ्ट एंड लॉन्ग लेंथ चार्जेस, है ना। तो अगर कोई चीज बहुत ज्यादा भारी होगी, अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा भारी है या फिर बहुत ज्यादा लंबी है, तो उसके लिए फिर उसके ऊपर जो है सरचार्ज लगाया जाएगा उस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, ठीक है ना। सो दीज चार्जेस आर इंक्लूडेड व्हेन कार्गो हैज हैवी एंड लॉन्ग आइटम्स व्हिच कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय यूजुअल शिप गियर्स एंड रिक्वायर्स यूज ऑफ फ्लोटिंग डेरिक्स, ठीक है ना। तो ये जनरली उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाया जाता है जो कि काफी हैवी होते हैं या फिर काफी लंबे होते हैं, जिसको आप यूजुअल जो शिप गियर्स है, जो उठाने का जो मशीन है, उसके जरिए आप नहीं उठा पा रहे हो, तो आपको अलग से फिर जो है डेरिक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो उस केस में जब आप अलग से कुछ इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको जो है हैवी लिफ्ट एंड लॉन्ग लेंथ चार्जेस लगाए जाएंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स में नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट का हैवी होना और लंबा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है पोर्ट कंजेशन स्टैंडिंग सरचार्जेस, है ना। तो पोर्ट में अगर कंजेशन बहुत ज्यादा है, आपकी वजह से अगर भीड़ वहां बहुत ज्यादा हो रही है, आपका सामान लाइक थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है ना, या फिर स्टैंडिंग चार्जेस आपका पोर्ट पे अगर वहां पे बहुत ज्यादा देर तक अगर आपका सामान खड़ा रहता है, तो उस केस में फिर आपको सरचार्ज पे करना रहता है, और इसीलिए इसका नाम पोर्ट कंजेशन या फिर स्टैंडिंग सरचार्जेस है। सो दीज चार्जेस आर लिवीड व्हेन द लाइनर इज अनड्यूली डिलेड, है ना। तो ये चार्जेस तब लगाए जाते हैं जब जो लाइनर होता है, जो शिप लाइनर होता है, वो आने में समय लगाता है, उसमें उसके काम में जो है देरी होती है। ओनली कमोडिटीज मेंट टू बी डिस्चार्ज एट अ गिवन पोर्ट आर सब्जेक्ट टू दीज सरचार्जेस, ठीक है ना। तो ये सबके लिए नहीं होता, ये कुछ कमोडिटीज के लिए होता है जिसका टाइम बंधा होता है कि इस टाइम पे आपको निकल जाना है, बट उस टाइम तक अगर नहीं हो पाता तो फिर आपको सरचार्ज पे करना होता है। अ शिपर हैज कंपेंसेट फॉर डिले इन लोडिंग अनलोडिंग एट दिस टाइम इज अनप्रोडक्टिव फॉर ऑपरेटर्स, है ना। तो एक शिपर जो होता है उसको
इस तरह का कंपनसेशन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिले हो रहा है लोडिंग अनलोडिंग में, और उस टाइम पे ऑपरेटर्स के पास करने को कुछ काम नहीं है, तो वो खाली पीली बैठे हुए हैं। तो जब काम नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है तो पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो ये पैसे की भरपाई कौन करेगा? शिपर करेगा। इसलिए फिर शिपर के ऊपर जो है ये पोर्ट कंजेशन या फिर स्टैंडिंग चार्जेस का सरचार्ज लगाया जाता है। बंकर सरचार्ज और बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर्स, ठीक है ना। सो फ्यूल कंजम्पशन अकाउंट्स फॉर मेजर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन फॉर शिप्स। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्यूल कंजम्पशन अकाउंट्स होते हैं, राइट। अब आपको अगर तेल की आवश्यकता है तो तेल को तो आप कहीं पे संभाल के रखोगे ना, तो जब जहाँ पे आप संभाल करके रखोगे वो फ्री में तो होगा नहीं, है ना, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो उस केस में जो है आपको बंकर चार्ज या सरचार्ज जो है पे करना पड़ता है। ड्यू टू द परसिस्टेंट राइज इन ऑयल प्राइस, देखो ऑयल की प्राइसेस में भी बढ़ोतरी होती है, आपको पता है ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। अब जैसे देखो आज आपने ऑयल खरीदा 10 रुपए का, अगले दिन हो गया 12 रुपए का, तो ये जो 12 रुपए 2 रुपए बढ़ गए हैं वो आपको पे करना पड़ेगा उसके ऊपर सरचार्ज। एडिशनल चार्जेस आर एडेड टू द बेस प्राइसेस व्हिच आर कॉल्ड बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है ना। तो बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर को आप समझ लो, यहाँ पे जो बेस चार्जेस होगा उसके साथ एडिशनल चार्जेस और कुछ ऑयल प्राइसेस की जो प्राइसेस होंगी उसको ऐड किया जाता है, उसी को हम कहेंगे बंकर एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सर चार्जेस ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है ना। तो करेंसी एडजस्टमेंट के बारे में मैंने बोला, आपने इंडिया में किसी सामान को 10 रुपए में खरीदा, किसी और देश में गए वहां पे आपको 50 रुपए में मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो करेंसी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना, प्राइसेस की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, तो उस केस में जो है यहाँ पे सरचार्ज लगाया जाता है। तो ड्यू टू वर्ल्ड वाइड फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट्स एंड प्रेवलेंस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, पूरे वर्ल्ड में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही चलता है, ऑपरेटर्स आर एक्सपोज्ड टू करेंसी रिस्क। तो इसके कारण से जो ऑपरेटर्स होते हैं वो करेंसी रिस्क में फंस जाते हैं। इसी को दूर करने के लिए, टू ओवरकम दिस, कॉन्फ्रेंस हैव देयर ओन टैरिफ करेंसी। इसी को दूर करने के लिए कॉन्फ्रेंस के पास जो है अलग से टैरिफ करेंसी उनकी होती है, जो कि यूजुअली डॉलर या फिर पाउंड स्टर्लिंग है, और इसी के बेसिस पे जो है अगर कोई सरचार्ज आपको पे करना रहेगा तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट लाइनर्स हैव टू डील विद द करेंसीज ऑफ कंसर्न्ड कंट्रीज एट अ गिवन पोर्ट ऑफ कॉल। अब इस केस में जो लाइनर्स होते हैं उनको ये झमेला जो है देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे शिपर्स तो कुछ करना नहीं है उसको, है ना। तो यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहा है, जो यहाँ पे लाइनर्स है, उनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, तो उसी कारण से उनको जो है ये बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं इस प्रॉब्लम से, राइट। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ रोडवेज। तो इंडिया में अगर रोडवेज की बात करें तो देख लेते हैं क्या है। सो द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज मेड, माफी चाहूंगा, सो द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सो द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा विद टोटल लेंथ ऑफ रोड्स रीचिंग 3.32 मिलियन किलोमीटर्स, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स। तो देखो इंडिया में अगर हम बात करें तो 3.32 किलोमीटर ऑफ रोड जो है वो तकरीबन पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद से तैयार हो चुका है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में या हमारे कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में। नाउ रोड सिस्टम इन इंडिया हैज फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इंडिया में अगर रोड सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि नेशनल हाईवेज आपने नाम सुना होगा, स्टेट हाईवेज हो गए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, और रूरल रोड्स हो गए। तो इन रोड्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में, क्योंकि इन्हीं रोड्स के माध्यम से जो है प्रोडक्ट्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है, और इसका बेनिफिट जो है सभी को मिल पाता है और इंडिया को तो मिलता ही है, ठीक है। तो द नेशनल एंड स्टेट हाईवेज आर मेजर कैरियर्स ऑफ द हाई वॉल्यूम ट्रैफिक। तो आपको पता है कि जो नेशनल हाईवे है या फिर जो स्टेट हाईवे है, इसी पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो एक तरीके से चलता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। द टास्क ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाइल द डेवलपमेंट ऑफ अदर नेटवर्क्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जो टास्क है डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का नेशनल हाईवेज का, वो काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन उसका जो रख रखाव है, आप किस तरीके से उसको मैनेज करोगे, है ना, वो सारी की चीजें जो हो गई, जो डेवलपमेंट का काम हो गया, वो सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट, ये आपने नया सुना होगा, आपको नया लगेगा बिकॉज ये मेरे लिए भी काफी नया है, बट ऐसी कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग बजटिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल हाईवेज, ठीक है ना। तो ये जो मिनिस्ट्री होती है, आपने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा, उसको चेंज करके रोड ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो उसके तहत ये इसके अंदर आ जाता है। और यहाँ पे किस तरीके से आपको बजट कितना एलोकेट करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, कौन से एनएच को किस एनएच के साथ जोड़ना है, ये सारी की सारी प्लानिंग जो है इस मिनिस्ट्री के तहत की जाती है। तो द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई वाज
was constituted by an act of parliament 1988 to gear up the task of development of national highways. ठीक है ना, तो 1988 में जाकर के जो है एनएचआई के को जो है तैयार किया गया बाई यू नो एक पार्लियामेंट्री एक्ट लाया गया, उसके बेसिस पे एनएचआई को क्रिएट किया गया और जो कि उस डेवलपमेंट के काम को वो देखती है अक्रॉस इंडिया. ठीक है, Now let's talk about foreign traffic. Foreign traffic क्या होती है? Freight traffic. I'm so sorry यार, freight traffic. Now freight का मतलब होता है भाड़ा, है ना? तो यहाँ पे railways की बात हो रही है generally. Railways are the most important means of transport among the all other inland means of transport in India. Railways जो है बाकी सारे inland transports के में सबसे important है, क्योंकि railways की speed ज़्यादा है, रास्ते में कुछ रुकावट नहीं है, time पे पहुँच जाती है. हालांकि इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा बदनाम है time पे ना पहुँचने को लेकर के, but still बाकी सारे roadways के मुकाबले तो ये बहुत ही अच्छा है. बाकी सारे inland transport के मुकाबले इंडियन railways is far better. ठीक है ना, देयर हैज बीन कंसिडरेबल ग्रोथ इन द फ्रेट ट्रैफिक ओवर द ईयर्स. आने वाले समय में हम और देखेंगे कि फ्रेट ट्रैफिक में जो है एक तरीके से बढ़ोतरी होगी. इसीलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि सामान को ढोने के लिए जो है लाइनें वो अलग से बिछाई जाएं, जिससे पैसेंजर ट्रेन्स के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फ्रेट जो है जो सामान है वो भी बहुत आसानी से जाने आने सकेगा. अभी क्या प्रॉब्लम होती है कि सेम ट्रैक पे ही जो है आपका सामान भी जा रहा है, सेम ट्रैक पे पैसेंजर भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम को लेकर के मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है ना. तो ये देखा गया है और इसको आने वाले समय में और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी. मोर देन 90% ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, कोल, आयरन ओर, फूड ग्रेन, सीमेंट एंड POL प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे. तो ये जो मेजर है इन प्रोडक्ट्स, इनके 90% जो है रेलवे के थ्रू ही ट्रांसफर किए जाते हैं. दीज आर मेनली लो वैल्यू, लो रेटेड बल्क कमोडिटीज, इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल एंड मास कंजम्पशन. Freight traffic can be categorized as follows with respect to the Indian Railways. अब इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे नहीं किया है because ये उतना बड़ा टॉपिक है नहीं. इसको अगर आप छोटे से में लिख दोगे तो चलेगा. हालांकि ये आखिरी लाइन दे करके मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, क्योंकि ये आखिरी लाइन आपको एग्जाम में लिखना नहीं चलेगा. तो इसको आप स्किप कर देना, ये आखिरी लाइन आप मत लिखना, क्योंकि इसको लिखने का मतलब है कि आप नीचे में कुछ और लिखने वाले हो जो कि आप नहीं लिख रहे हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस लाइन को स्किप कर दो. अगला पॉइंट है बिल ऑफ लेडिंग. तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, बिल ऑफ लेडिंग एक तरीके से बिल होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कामों में आता है. मैं एक करके अभी आपको बताऊंगा. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज एंड लाइनर शिपिंग इज कॉल्ड बिल ऑफ लेडिंग. तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज होता है, ठीक है ना, जब आप लाइनर शिपिंग की बात कर रहे हैं, जब आप शिपिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सामान के साथ आपको बिल दिया जाता है, जिसके जरिए आप एक सामान को दूसरी जगह तक लेकर के जाते हैं. तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिल है, उसी को हम बिल ऑफ लेडिंग बोलेंगे. इट इज अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द कैरियर ऑफ द शिप, है ना. ये डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाता है जो शिप का कैरियर होता है उसके द्वारा, कंसाइनर या फिर शिपिंग कंपनी के द्वारा, विच सर्व्स एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफ्रेटमेंट. ठीक है ना, तो एक तरीके से ये सर्व करता है एज ए एविडेंस कि आपके बीच और हमारे बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एफ्रेटमेंट का, और ये एक तरीके से एक तरह का एविडेंस होता है. टाइटल ऑफ गुड्स, गुड्स किसके नाम पे है, है ना, और एक तरीके से रिसीट होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स का कि आपने गुड्स को रिसीव कर दिया, तो आपको उसी के ऊपर साइन वगैरह करना होता है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ लेडिंग. तो यहाँ पे दो तरह के बिल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द गुड्स बीइंग कैरिड. तो किस तरह के गुड्स आप कैरी कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो है बिल ऑफ लेडिंग के दो तरह से दो जो है उसके टाइप्स हैं कि करके हम बात करेंगे दोनों टाइप्स के बारे में. सबसे पहला है क्लीन बिल ऑफ लेडिंग. इट इज इश्यूड फॉर गुड्स इन गुड कंडीशन. सो क्लीन बिल ऑफ लेडिंग जो है ये जनरली उन सारे गुड्स के लिए इशू किया जाता है जिनकी कंडीशन अच्छी होती है. क्वालिफाइड बिल ऑफ लेडिंग. If goods are received in a condition that are not up to the stated standards, a qualified bill of lading is issued. तो आपने suppose कोई goods ऐसा receive किया जिसकी quality उतनी अच्छी नहीं है, जैसा like जो standard जो होता है उससे खराब है या अच्छी नहीं है, तो उस case में जो है आपको qualified bill of lading issue किया जाता है. If goods are meant to be carried partially by sea and partially by land, charging a composite freight, it is called through bills of lading, है ना? तो अगर suppose कोई goods है जो कि आप railway से भी लेकर के जा रहे हो, आप पानी से भी लेकर के जा रहे हो और आप land के through भी लेकर के जा रहे हो, तो उस case में जो है आपको एक composite freight तैयार करना होता है जो कि bill of lading के through ही तैयार किया जाता है, या फिर इसको it is through bill of lading भी हम कह सकते हैं. actually इसी को यही कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजों का इस्तेमाल हो, दोनों means का इस्तेमाल हो रहा है, which is land and sea. ठीक है ना, सो द मेन फंक्शंस ऑफ बिल्स ऑफ लेडिंग आर स्टेटेड बिलो. तो मेन फंक्शन इसके क्या क्या है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज एंड एफ्रेटमेंट, है ना, पहले ही मैंने आपको बताया, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था कि एक तरह से ये एविडेंस होता है
कॉन्ट्रैक्ट का कि आपके और हमारे बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। पहला इसको मैं नहीं पढ़ रहा, या फिर पढ़ ही देता हूँ। चलो, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज अफ्रेटमेंट इज ऑलवेज मेड थ्रू बिल्स ऑफ लेडिंग एंड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लाइनर एंड ट्रैम्प ट्रेड्स, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दोनों चीज और दोनों तरह के ट्रेड्स में काम आता है, चाहे वो लाइनर हो या फिर ट्रैम्प हो। After carrier takes charge of goods, the bills of lading is issued. तो जब carrier charge ले लेता है goods का, तो उस time पे bill of lading जो issue किया जाता है। It has information about cargo. अब इसके अंदर कौन-कौन सी information होती है? देखो, इसमें cargo की information होती है, shipper की information होती है, किसने ship कराया है, notified party की information होती है, consignee की information होती है, printed terms and conditions भी वहाँ पे होते हैं। However, it has not all stated terms and conditions of the contract. हालांकि इसमें सारे के सारे जो terms and conditions है, हो सकता है वो mentioned ना भी हो, बट यहाँ पे कुछ तो होते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, है ना। तो डॉक्यूमेंट जो है एक तरह से ये डॉक्यूमेंट भी होता है जहाँ पे ये लिखा होता है कि गुड्स किसको बिलोंग करता है ना, कौन बेच रहा है और कहाँ जाएगा, गुड्स की ओनरशिप किसकी है, वो एक तरीके से ये हो जाता है। द बिल ऑफ लेडिंग एंटाइटल्स इट्स होल्डर टू रिसीव गुड्स फ्रॉम द कैरियर। अब जिसके पास ये बिल ऑफ लेडिंग होगा, उसके पास ये अधिकार हो जाएगा कि वो जो है गुड्स को रिसीव कर सकता है फ्रॉम द carrier. In case of non-receipt of goods, अगर आप goods को receive नहीं करते हो, the holder can claim against the carrier. अगर आप receive नहीं करते हो, तो आप इसी document के मदद से आप कोई claim कर सकते हो उस carrier के ऊपर कि आपने अभी तक हमारे goods को release नहीं किया है. The carrier has the right to transfer the title to another person for receipt of goods. अब carrier के पास अधिकार होता है कि वो rights को transfer भी कर सकता है एक अलग व्यक्ति को, एक अलग person को goods को receive करने के लिए। This includes livestock and cargo on deck. अब यहाँ पे livestock भी आ जाएगा। Livestock मतलब में animals आ जाएंगे जिसका इस्तेमाल होता है like पशुपालन में आप बोल सकते हो, या फिर कोई cargo है deck में उसकी उसमें भी ये document of title इस्तेमाल होता है। Now receipt of goods, bill of lading एक तरीके जैसा मैंने आपको बताया कि goods आप जब receive करोगे तो bill of lading आपको receive दिया जा रहा है shipper के द्वारा, I mean जो consignor है उसके द्वारा। तो एक तरह से ये receipt of goods के रूप में भी काम करता है। The bill of lading with stated identification mark, number of packages, quantity, weight and condition of the goods serves as a receipt for both cargo received or cargo to be dispatched. ठीक है ना। तो जो bill of lading है यहाँ पे देखो, सारी की सारी identification होती है वहाँ पे, marks लिखे होते हैं, I mean उसका identification mark होता है, number of packages कितने packages हैं, उसकी quantity कितनी है, कितना उसका वजन है, goods का condition कैसा है वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो है उसमें लिखी हुई होती हैं आपके bill of lading में। और ये एक तरीके से receipt के रूप में भी काम करता है, वो both cargo received के लिए भी काम करता है और ऐसा cargo जो कि dispatch किया जाने वाला है उसके लिए भी bill of lading उसी तरीके से काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है। सो दीज आर द फोर टॉपिक जिसको हमें डिस्कस करने थे। फ्रेट वाला जो है पॉइंट, फ्रेट ट्रैफिक, ये छोटा है, बट डोंट वरी, जितना आप लिख रहे हो ये इनफ है, सफिशियंट है एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। एंड अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आपने बुक्स में सर्च करके यहाँ पे उस पॉइंट पैराग्राफ को ऐड कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड अगर ये मैंने डिफरेंट सोर्सेज से लिया हुआ तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले, बट स्टिल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे तरीके से कवर हो गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में विजिट करो वीडियोस को वॉच करने के लिए, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोस हैं, आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर पाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।